बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड पेपर जिसमें हमने साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, इवोल्यूशन और स्टैटिस्टिक्स, ये सभी टॉपिक्स हमने कवर करने होते हैं। उनमें से आज हम लोग प्लांट ब्रीडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग पादप प्रजनन भी कहते हैं। और आज के जो हमारा चैप्टर है, इसमें मैं जो पादप प्रजनन का, जो प्लांट ब्रीडिंग है, उसका इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले पादप प्रजनन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। असल में प्लांट ब्रीडिंग जो है वो साइंस और आर्ट्स का एक संगम है, कला और विज्ञान का एक संगम होता है। और इसका जो संबंध होता है वो मानव के लिए उपयोग में जो फसलें आती हैं उनको जेनेटिकली इम्प्रूव करना या उनका अनुवांशिक स्तर पर उन्नत किस्मों को प्रोड्यूस करना, ये जो है प्लांट ब्रीडिंग का काम होता है, या इसकी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका हम कह सकते हैं एम होता है। अब हम लोग इसकी जब हम लोग इसकी जो पहला टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके एम्स क्या है, हमारे प्लांट ब्रीडिंग का एम क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि पादप प्रजनन के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। तो इसके लक्ष्य, जैसे मैंने आपको बताया, मेन इसका जो लक्ष्य है कि हमें उन्नत किस्मों को प्रोड्यूस करना है, जो हमारे पास ऑलरेडी जो किस्में पर हैं या जो ऑलरेडी हमारे पास प्लांट्स हैं उनको, उनसे बेहतर किस्म को प्रोड्यूस करना, और ऐसी किस्म जिनकी हमें जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वराइटीज को डेवलप करना, ये हमारा मेन एम होता है। अब इसमें हमारे कई कई उद्देश्य होते हैं, कई कई चीज़ों को इम्प्रूव करना होता है, उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे हमारी जो उन्नत किस्म की जो जो हमारी इम्प्रूव्ड वैरायटी होती है वो कई सारी सॉयल में या कई प्रकार की मृदाओं में ये ग्रो करने के लिए सक्षम होनी चाहिए। दूसरी कि अलग अलग प्रकार के मौसमों में या जो मौसम होते हैं इसमें भी इसकी उत्पादकता अच्छी होनी चाहिए। तीसरा कि जो हमारी नई या उन्नत किस्म की हमने फसल तैयार की है उसमें अनेक प्रकार के जैविक प्रतिबलों या अजैविक प्रतिबलों, जैसे बायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे रोग के प्रति उसके अंदर ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, कीट के प्रति उसमें ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, मतलब वो जल्दी से उस पर कीट ना लगे या उस पर जो है कोई बीमारी ना लगे, या फिर एबायोटिक स्ट्रेसेस, जिसको हम लोग अजैविक प्रतिबल कहते हैं, जैसे वो प्लांट जो है वो उस पे सूखे का या पाले का या खारापन का प्रभाव जो है वो ना पड़े। इसके बाद जो हमारी नई फसल है उसमें जो स्टोरेज कंडीशंस है, मतलब उसमें टॉलरेंस ज़्यादा होनी चाहिए स्टोरेज कंडीशन में, जिसमें जब हम उसको संचयन करते हैं तो उसमें ज़्यादा टॉलरेंस, मतलब वो जल्दी नष्ट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि आजकल बहुत सारा काम यंत्रों के द्वारा या मैकेनाइज्ड होता है, मशीन्स के द्वारा होता है, तो वो मशीन में काम करने में उसमें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके उपयुक्त होने चाहिए। इसके बाद जो हमारी फसल का जो उत्पादन है वो उपभोक्ताओं के या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको भी वो पसंद आना चाहिए। जैसे इसमें मैं उदाहरण दूंगी कि भारत में जब बौनी किस्म की गेहूं की फसल को इम्पोर्ट किया गया था, उसको भारत में स्थापित करने के लिए, उसको मैक्सिकन वैरायटी कहते हैं, तो उनका जो रंग था वो लाल रंग की गेहूं पैदा होती थी, पर हमारे यहाँ पर सफ़ेद रंग की गेहूं को प्रेफर किया जाता है, तो इसलिए यहाँ की लोकल वैरायटीज के साथ उसका संकरण करके उसमें जो है वो सफ़ेद रंग की गेहूं का उत्पादन किया गया, लाल रंग की गेहूं से उसकी उन्नत किस्म को प्रोड्यूस किया गया। तो ये एक उदाहरण है कि हमें अपने उपभोक्ताओं का या अपने कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो हमारी नई, कहने का मतलब यह है कि जो हमारी नई विकसित प्रजाति होती है वो जो ऑलरेडी या जो वर्तमान में जो प्रजाति है उसकी तुलना में कुछ लक्षणों में अधिक उपस्थित होने चाहिए, तभी हम उसको सुपीरियर वैरायटी जो है मान सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर वो हमारी फसल जो है वो खाद्यान्न है तो उसमें उसकी खाद्य जो उसमें बीज ज़्यादा होने चाहिए, उसमें प्रोटीन कंटेंट या कार्बोहाइड्रेट या जो भी उसका मेन कंटेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो रेशे वाली है तो उसमें रेशा अधिक होना चाहिए।
अगर वो तेल वाली फसल है तो उसमें तेल का कंटेंट अधिक उसमें से प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार से रंग है, स्वाद है, पोषकता है, गठन है और उसकी माल्टिंग क्वालिटी है, उसमें शुगर का कंटेंट है, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर वो जैसे कॉटन की है तो उसमें रेशे की लंबाई जो है वो महत्व रखती है, तो वो जो ऑलरेडी हमारे पास जो फसल है उससे सुपीरियर फसल जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होनी चाहिए। भारतवर्ष में ये जो अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें प्लांट ब्रीडिंग की इंडिया में, तो भारतवर्ष में जो पादप प्रजनन है ये गत शताब्दी में ही आरंभ हुआ था। सबसे पहला कार्य इसमें अंग्रेज साइंटिस्ट बार्बर के द्वारा गन्ने में और हॉवर्ड के द्वारा गेहूं में किया गया। उसके बाद 1920 के आसपास भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत के पादप प्रजनन का कार्य को अपने कंधों पर ले लिया और उसके बाद इसकी एक दृढ़ नींव जो है वो रखी थी। भारत में जो मेन साइंटिस्ट हैं, इनमें से दो की फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, MS स्वामीनाथन और वेंकट रमन। जो TS वेंकट रमन है इनका मुख्य कार्य गेहूं पर, और MS स्वामीनाथन का मुख्य काम गेहूं पर था। और MS स्वामीनाथन ही भारत में हरित क्रांति को लेके आए, या हमें यूँ कह सकते हैं कि हरित क्रांति का जो श्रेय है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन और उनके द्वारा जो गेहूं की नई किस्मों को प्रोड्यूस किया गया उससे भारत में हरित क्रांति आई थी। तो जो इसके अलावा जो भारत के मुख्य साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत अधिक योगदान प्लांट ब्रीडिंग में है, उनमें नाम है जैसे मैंने आपको बताया MS स्वामीनाथन का गेहूं पर और TS वेंकट रमन का गन्ने पे, इसी प्रकार से रमैया का चावल पे, KC मेहता का भी गेहूं पर, और इसके बाद पुष्कर नाथ का आलू में और धर्मपाल सिंह का तिलहनी फसलों में। इसी प्रकार से जो DS अथवाल हैं उन्होंने बाजरा पे जो है बहुत अधिक कार्य किया और उसकी उन्नत किस्मों को प्रोड्यूस करने में मदद किया। अब हम लोग वापस जैसे इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो हम लोग बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग का जो है किस प्रकार से इसका क्या योगदान है। इसके जो कुछ बहुत ही उल्लेखनीय जो कार्य हैं, कुछ 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी इसमें, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवोल्यूशन इन वीट एंड राइस प्रोडक्शन ड्यू टू ड्राफ वेराइटीज़। मतलब कि भारत में जो बौनी किस्मों के द्वारा गेहूं व चावल के उत्पादन में क्रांति, क्योंकि गेहूं में पहले गेहूं और चावल की जो पहली किस्में होती थी वो लंबी होती थी और वो जिस समय उसमें सिंचाई होती थी या उर्वरक वगैरह देने से या तेज़ हवा या आंधी से वो गिर जाती थी, जिसकी वजह से बहुत अधिक फसल का नुकसान होता था। उसके बाद 1963 में भारत में बौनी गेहूं की फसलों को मेक्सिको से इंट्रोड्यूस किया गया और उसके कारण ही भारत में हरित क्रांति देखने को आई थी। इन बौनी गेहूं में एक जीन होता है जिसको नॉरिन जीन कहा जाता है, और ये नॉरिन जीन जो है ये नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा ये किस्म को तैयार किया गया था। ये वो बौनी जीन जो है वो इसी जीन के कारण, बौनी जो वैरायटीज हैं वीट की उनमें नॉरिन जीन होता है जिसके कारण वो बौनी होती हैं और उनमें जो तना अधिक मजबूत होता है और वो उसमें जो अगर भारी उर्वरक के द्वारा या तेज हवाओं के द्वारा उसमें हानि नहीं होती है, इससे हमारी जो उत्पादन जो है वो बढ़ता है। तो गेहूं में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉरिन जीन को इंट्रोड्यूस किया गया, इसी प्रकार से चावल में भी बौनी व उर्वरक अनुक्रिय या फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव किस्म जो किस्में हैं उनको इंट्रोड्यूस किया। इसके लिए बौने लक्षण के लिए विशेष जीन की प्राप्ति एक जापान की वैरायटी जापोनिका वैरायटी से किया गया जिसका नाम है DGWUGEN। उस जीन का नाम है DGWUGEN। अब हम लोग बात करते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा व कपास की संकर किस्में का उत्पादन किया गया। हाल ही के वर्षों में जो ये संकर वाली किस्में भारत में प्रोड्यूस हुई हुई हैं उनसे उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अगर हम लोग गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने में एक प्रोसेस किया गया जिसको हम लोग कहते हैं नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन या गन्ने का नोबलीकरण। अब इसको मैं समझाती हूँ। भारत में जो मौलिक गन्ने हैं उसकी जाति है सैक्रम बारबरी, पर इस जाति में
जो है शुगर का अंश बहुत कम होता है और इसमें उपज भी अधिक नहीं प्राप्त होती। इसके लिए इनको नोबल गन्ने कौन से होते हैं, सैक्रम ऑफिशिनेरम। तो इसको सैक्रम ऑफिशिनेरम से संबंधित जो गन्ने हैं उनसे इनका संकरण कराया गया, और बारंबार संकरण करने से क्या हुआ कि इनकी जो गन्ने हैं इसमें शुगर की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। और इस विधि को हम लोग ज़्यादातर नोबलीकरण कहते हैं। और अब जो भारत में जितनी भी गन्ने की किस्में होती हैं ये सभी नोबलीकृत गन्ने की किस्में हैं। इसके अलावा फसलों में जो गुणवत्ता में उन्नति है, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी अगर हम बात करें, तो ये जो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा अनेक फसल जो है उनकी जो गुणता या उनकी जो क्वालिटी है या इसके पोषक संबंधी लक्षणों में भारी उन्नति हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो जो कपास की नई किस्म है उनके रेशे और लंबाई व उनका गठन वो बहुत उन्नत किस्म का हो चुका है, जो कि मशीन के द्वारा बनाए गए रेशे के समान होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी सब्जियां हैं, फसल हैं, फल हैं, वृक्ष हैं, इनके जो पोषक या इनके जो अच्छे लक्षण हैं उनमें उनकी गुणता में बहुत अधिक सुधार हुआ। तो ये हमारा जो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा क्या हमारे जो इसमें हमारे अचीवमेंट्स हम कह सकते हैं, ये कुछ मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक्स के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। और पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स को बाहर से कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज के लेक्चर में इतना ही। आज आपका ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें आप लोगों को प्लांट ब्रीडिंग क्या है, इसके एम और उद्देश्य क्या है, मुख्य भारत के जो बहुत ही सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं प्लांट ब्रीडिंग के वो कौन से थे, और इनके कुछ हमने बात की कि इनके द्वारा हमें क्या क्या हमें अचीव किया है या हमें क्या क्या चीज़ों का लाभ हुआ है। कल हम आपके लिए नया लेक्चर लेके आएंगे प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।